हाय गाइस, मेरा नाम मनन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप आईटेल का मोबाइल यहां पर देख रहे हैं। मेरे हाथ में आईटेल का स्मार्टफोन है मेरे हाथ में, और इस मोबाइल में जो है सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। ये मोबाइल जो है लोगों पर अटक रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल का जो फ्लैश फाइल और इसकी फ्लैश टूल जो है, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा और आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जानना चाहते हैं आपके इस मोबाइल को बिना किसी बॉक्स के कैसे फ्लैश किया जाता है, तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो आप इस घंटे को जरूर दबाएं। आप सोचेंगे इस घंटे को दबाने से क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस घंटे को दबाएंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे और इसकी जानकारी आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये फ्लैश फाइल जो मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है अपने कंप्यूटर में, अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस फ्लैश फाइल के अंदर में ही जो है आपको फ्लैश टूल मिल जाएगी और आप इस फ्लैश टूल से जो है इस मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं बिना किसी बॉक्स के। तो आपको यहाँ बिन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लैश फाइल ये है और इसके अंदर में जो है एक आपको जो है टूल मिल जाएगा फ्लैश करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको जब फ्लैश फाइल सेलेक्ट करना हो तो इस फाइल को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपग्रेड डाउनलोड टूल, इस पे आपको क्लिक करना है। इसे आपको जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। और जैसे इसे आप ओपन करेंगे तो इसे ओपन करने के बाद इसमें आपको फ्लैश फाइल जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। आप ऑटोमेटिकली भी अगर यहाँ पे ओके करेंगे तो आप ये फ्लैश फाइल सिलेक्ट हो जाएगा। यदि अगर आप ना करना चाहते यहाँ पे नो कर दे और यहाँ से आप जो है मैनुअल करके आप जो आप यहाँ पे कोड पे क्लिक करके यहाँ से फ्लैश फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो फाइल मैंने अभी आपको बताया था उसी फ्लैश फाइल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद थोड़ा सा इसमें कुछ टाइम लगता है, थोड़ा सा कुछ आधे मिनट का लगभग, और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन जो यहाँ पे आपको शो करेगा कि ये जो फ्लैश फाइल जो कौन सा वर्जन है, ये भी यहाँ पे इस टूल में यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद आप इस मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फ्लैश फाइल को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एंड्रॉइड वर्जन 5.1, ठीक है, ये शो कर रहा है। उसके बाद हमें इस मोबाइल को फ्लैश करना है। तो फ्लैश करने के लिए आपको यहाँ पे इस प्ले बटन को क्लिक करना है एक बार, और जैसे इस प्ले बटन को आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जरूरी होता है कि आपको मोबाइल को बूट कराना है। तो जिस मोबाइल को आप फ्लैश करना चाहते हैं उस मोबाइल को आपको बूट कराना है इस टूल से। तो कैसे बूट कराएंगे तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको इस मोबाइल को बूट करना है। तो बूट कराने के लिए जैसे मान के चलिए ये मोबाइल अभी ऑन है तो इस मोबाइल को हमें ऑफ कर देना है, ठीक है। इसका बैटरी निकाल देना है, इस मोबाइल को हमें ऑफ कर देना है, और बैटरी निकालने के बाद फिर से हमें इस मोबाइल में बैटरी लगाना है। उसके बाद यूएसबी डाटा केबल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद उसके बाद मोबाइल में आप यहां पे देख रहे हैं एक माइनस एक प्लस का वॉल्यूम का होता है वॉल्यूम बटन जो होता है, इस वॉल्यूम बटन को जो आपको जो है दोनों को एक साथ प्रेस करना है एक साथ सेम टाइम में, ठीक है। यानी कंटिन्यू आपको दोनों बटन को जो है वॉल्यूम प्लस और माइनस को एक साथ दबा करके रखना है, आपको छोड़ना नहीं है इसको, और तब तक आपको नहीं छोड़ना जब तक आपका मोबाइल बूट ना कर जाए, ठीक है। तो दोनों वॉल्यूम प्लस और माइनस को एक साथ दबा के रखना है, उसके बाद आपको डाटा केबल जो इसमें जो है इंसर्ट करना है, ठीक है। डाटा केबल आपको इसमें कनेक्ट कर देना है, और जैसे आप डाटा केबल कनेक्ट करेंगे उसके बाद आपका मोबाइल यहाँ पे बूट करनी चाहिए, और जैसे आपका मोबाइल यहाँ पे बूट करता है तो आपको वॉल्यूम प्लस और माइनस बटन छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल यहाँ पे बूट कर चुका है और हमारा मोबाइल जो फ्लैशिंग हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया तो घंटे को आप जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आसानी से हमारे वीडियो को देख सके।